खरगापुर विधानसभा विधायक राहुल सिंह लोधी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी गई है। इनके द्वारा विधानसभा में कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज ग्राम घूरा में विधायक राहुल सिंह द्वारा लाखों रुपए के निर्माण कार्य की घोषणा की है। उनके द्वारा बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला हर सदस्य उनके परिवार का सदस्य है और उनके लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण कराना उनका कर्तव्य है। और ग्राम घूरा में माता हिंगलाज मंदिर के पास बने तालाब पर दो घाटों के एक पुरुष एवं एक महिला एवं विवाह शादी कार्यक्रम के लिए सामूहिक विवाह घर मंदिर के लिए सीढ़ियों का निर्माण की घोषणा की गई। यह सभी कार्य लाखों रुपए की लागत से इस ग्राम में किए जाएंगे। आज विधायक राहुल सिंह अपने परिवार के साथ ग्राम घूरा में स्थित हिंगलाज माता मंदिर परिसर पहुंचे। चुनाव के समय बोला गया था कि वह महिलाओं के लिए सुहागले का कार्यक्रम करवाएंगे, जिसको लेकर आज उनके द्वारा सुहागिन महिलाओं का कार्यक्रम किया गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारे घटापुर विधानसभा में हिंगलाज माता का बहुत पुराना मंदिर, बहुत सिद्ध स्थान है ये। तो हम जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय महिलाओं को बहुत सहयोग रहा है, तो हमने उस समय बोला था कि हम का कार्यक्रम करेंगे पुराने स्थल में बात कर। तो डेढ़ साल तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाल दिए, उसके बाद कोरोना महामारी फैली थी, तो इस कारण से कार्यक्रम नहीं करते। तो आज हिंगलाज माता के आशीर्वाद से यहाँ पर आसपास की सभी महिलाओं को सुहागलों का कार्यक्रम किया है। इसमें सभी महिलाओं को साड़ी, सुहाग का सामान और हमने जो अपनी विधानसभा के लिए कैलेंडर और झूला चुका है वो सब सामान उनको दिया है और सबके साथ मिलकर भोजन व्यवस्था है यहाँ पर। सब भोजन करके महिलाओं का सबका आशीर्वाद आज मिलेगा और हम सबका यही प्रयास है कि खरगापुर विधानसभा को आगे बढ़ाने में जो हम लोग काम कर सकते हैं। आज झूला में जैसे कार्यक्रम किया तो यहाँ की जो चीज़ मांगे थी ग्रामवासियों ने, महिलाओं ने बताई। मुझे बता दी, पहली बात तो हमने यहाँ जो तालाब है घूरा, बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब में घाट नहीं बना हुआ है, तो हमने आज घोषणा करी है कि महिलाओं के लिए अलग घाट और पुरुष के नहाने के लिए अलग दो घाट बनवाएंगे यहाँ पर अच्छे, और एक विवाह घर बनवाएंगे क्योंकि बहुत सिद्ध स्थल है घूरा। यहाँ पर हिंगलाज माता का बहुत पुराना मंदिर, बहुत ऊँचाई पर है, तो वहाँ पर जाने तक के लिए सीढ़ी की व्यवस्था और एक अच्छा विवाह घर बनाएंगे 20-25 लाख का यहाँ पर, ताकि सारे समुदाय के लोग यहाँ पर आकर अपने शादी विवाह समारोह जो भी हो वो सब कार्यक्रम कर पाएंगे। आज जन चौपाल भी लगाएगी क्या लोग, ये समस्या सुनेंगे? जन चौपाल तो नहीं लगाई, लेकिन जब जाते हैं तो समस्याएं आती हैं लोगों की, और लोगों का प्रेम है, लोग अपने आप आते हैं बताते हैं, तो हम लोग तो अपने जनप्रतिनिधियों का काम ही है कि सबकी समस्या दूर करें। मैं तो हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि हमारे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी जो व्यवस्थाएँ हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए और अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और सबसे ज़्यादा जोर हम शिक्षा पे देते हैं ताकि जो नए युवा लड़के हैं वो अच्छे से पढ़ लिख कर किसी पद पे पहुँच जाएँ, तो अच्छी पद पे पहुँचेंगे तो हमारे बुंदेलखंड का, पूरे हमारी विधानसभा का विकास होगा, उनके माँ बाप, उनके गाँव का, हमारे खरगापुर विधानसभा का नाम रोशन होगा। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खरगापुर विधानसभा विकास हो और सब लोग घुल मिलकर ऐसे रहें जैसे एक परिवार के हिसाब से रहते हैं। इसलिए महिलाओं के बीच आज कार्यक्रम किया ताकि जो महिलाएं नहीं जानती हैं वो जान जाएं और इनकी जो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।